देखिए, ये विंडोज़ 7 सिस्टम है, तो कभी कभी क्या है आपका सिस्टम में आइकॉन्स वगैरह बड़ा रहता है। देखिए यहाँ से इस तरीके से अलग अलग रहता है, तो एकदम फ्लैट दिखता है। ठीक है, यहाँ से स्क्रीन रेजोल्यूशन में जाते हैं, देखिए यहाँ से 800 इतना ही आता है, तो यहाँ से इस तरह कर देते हैं, लेकिन इतना करते हैं फिर भी इतना शार्पनेस नहीं आता है। ठीक है, ये देखिए बहुत शार्पनेस, यहाँ देखिए यहाँ से इतना शार्पनेस नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ करते हैं, तो यहाँ से डिवाइस मैनेजर रहता है। ठीक है, डिवाइस मैनेजर ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद जैसे विंडोज 7 सिस्टम में भी सेम तरीका है, राइट क्लिक करेंगे, माय कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ करेंगे, उसके बाद मैनेज में जाएंगे, उसके बाद इस तरीके से डिवाइस मैनेजर ऑप्शन में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए डिस्प्ले अडाप्टर, यहाँ देखिए यहाँ से स्टैंडर्ड डिस्प्ले ले लिया है। कभी कभी स्टैंडर्ड लेता है, उसके बाद भी इतना डिस्प्ले सही से नहीं दिखता है, तो जो बोर्ड के साथ है वो ग्राफिक्स का डिस्प्ले इंस्टॉल नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये बोर्ड को हमने ये जो स्पाइसी नाम से सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल किया, तो इसको कौन सा मदरबोर्ड है यहाँ से क्लिक किया तो एनालाइज करके आ गया है, तो उसके हिसाब से हमने उसको ड्राइवर डाउनलोड कर लिया। जैसे H6 बोर्ड है तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया है, ये है। ठीक है, ये VGA का ड्राइवर है, तो इसको देखिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है ग्राफिक्स इंस्टॉलेशन ड्राइवर है, तो इस तरीके से ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हर एक सिस्टम के हिसाब से अपना अपना ड्राइवर होता है, उसकी मदरबोर्ड को आप इस तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप सर्च कर सकते हैं, उसके बाद इस तरीके से इंस्टॉल करना होगा। अभी HD इंस्टॉल ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर है, दिख रहा है आपको इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद आपको जो आइकॉन में जो शार्पनेस नहीं दिख रहा है वो शार्पनेस आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि शार्पनेस नहीं आते हैं तो सिस्टम प्रॉब्लम मॉनिटर प्रॉब्लम कहते हैं, लेकिन वो ड्राइवर का इश्यू होता है। ड्राइवर यानी कि मतलब आपका जो सिस्टम जो मदरबोर्ड में जो हार्डवेयर है एंड सॉफ्टवेयर का दोनों को कम्युनिकेट करने वाला एक डिवाइस होता है, उसमें बायस कहते हैं। बायस बेसिक एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो उसको इंस्टॉल करने के बाद जैसे ये रीस्टार्ट मांग रहा है। ओके, तो आप इसके बाद आपको सिस्टम को देख क्लोज कर देते हैं, इसके बाद अभी सिस्टम रिस्टार्ट होकर आने देते हैं। अभी वीडियो को पास कर देता हूँ, वीडियो चालू हो गया है। तो उसके बाद आपका जो डिस्प्ले का क्लैरिटी है एकदम फ़र्क पड़ जाएंगे, लेकिन ये बेसिक बोर्ड होने के कारण थोड़ा ही आपको क्लैरिटी मिलेगा। इसमें आपको बेसिक ऑफिस वाला काम कर सकते हैं। यदि आप एडिटिंग लेवल पर PC लेते हैं उसके हिसाब से भी आपको, जैसे देखिए जो पहले आया था, देखिए यहाँ पतला था, एकदम शार्पनेस आ रहा है। जो माउस पॉइंट है वो भी शार्पनेस दिख रहा है, देखिए पहले का अभी का देखिए, मतलब एकदम शार्प दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो आपका सिस्टम एकदम डिस्प्ले वाला क्लियर दिखेगा। जैसे आप वीडियो प्ले करते हैं तो उसमें है ना पिक्सल पिक्सल दिखता है, जैसे ये कैरेक्टर में तो इतना नहीं दिख रहा है, हमने वीडियो प्ले पहले नहीं किया है, तो आप वीडियो प्ले करते हैं उसमें कट मतलब छोटा छोटा स्क्वायर स्क्वायर दिखता है, उसको कहते हैं पिक्सल कहते हैं, तो वो क्लियर नहीं दिखता। आप इसको इंस्टॉल करने के बाद देखिए, देखिए अभी देखिए इसका देखिए आइकन वगैरह एकदम छोटा हो गया, पहले कितना बड़ा था, डिस्प्ले वगैरह एकदम क्लीन हो गया है। देखिए इतना शार्पनेस दिख रहा है, आइकन कितना शार्प दिख रहा है, पहले मोटा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसा ही सिस्टम रिलेटेड अपडेट के लिए हमारा चैनल पर बनिए रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।